नमस्कार दोस्तों, पाठशाला चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि इस वीडियो को आप YouTube के महासमुद्र में आसानी से खोज सकते हैं। ठीक है, चलिए आज हम लोग जो है मैट्रिक्स का एक्सरसाइज 3.3 का सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बोल रहा है 3.3 एक्सरसाइज में, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ इच ऑफ द फ्लोइंग मैट्रिसेस। ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब क्या होता है, अब हम लोग जानेंगे कि क्या बोल रहा है ये। फाइंड द ट्रांसपोज यानी कि ट्रांसपोज का मतलब आप क्या जानते होंगे, ट्रांसपोज यानी कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस होना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांस ट्रांस कहते हैं ना, तो ट्रांसपोज। चलिए देखते हैं, एक तरह से अंदाजा लगा सकते हैं कि दूसरे प्लेस से एक प्लेस तक जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अब देखते हैं कैसे इसको बनाते हैं आसानी से, बहुत इजी चैप्टर है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। चलिए इसको बनाते हैं एक्सरसाइज 3.। ठीक है, पहला नंबर है क्वेश्चन, देख लेते हैं। फाइंड ट्रांसपोज, ठीक है, ये आपका है पहला नंबर क्वेश्चन। एक मैट्रिसेस दिया हुआ है, ये है 5 1 बाई 2 माइनस 1। ओके, अब इसको बोल रहा है कि देखिएगा ध्यान से, पहला क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा सा आराम से समझिएगा क्या होता है। ट्रांसपोज करना है यानी कि जैसे वो था उसका प्लेस चेंज हो जाएगा। जैसे ये जो है, आप जो मैट्रिक्स देख रहे हैं ये कौन सा वे में है यानी कि कौन सा ऑर्डर में है, तो ये आप तो बता सकते हैं कि ये कौन सा ऑर्डर में है। सिर्फ एक ही कॉलम है ना दोस्तों, देखिए तो, यानी कि एक कॉलम है और 3 ठो रो है, देखिए 1 2 3। ठीक है, यानी कि इसमें क्या है, 1 इंटू 3 या 3 इंटू 1 जो बोलिए आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है ना, कि जैसे ये कॉलम में है तो आपको रो में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, तो जैसे सपोज डैट, मान लीजिए ए इज इक्वल टू, सपोज डैट हम ए इज इक्वल टू इसको ले लेते हैं। ठीक है, ए इज इक्वल टू 5 माइनस 1 बाई 2 माइनस 1, ये है मैट्रिक्स, तो आपको ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज का सिग्नेचर क्या होता है पता है आपको, ट्रांसपोज का सिग्नेचर यानी कि ए के ऊपर एक डंडा टाइप का। ठीक है, तो ये है ट्रांसपोज का साइन, ये क्या है, ट्रांसपोज का साइन यानी कि ए के ऊपर जहां भी ये देखिएगा कॉमा टाइप का, उसको आप ट्रांसपोज ही समझिएगा। ठीक है ना, तो इसको जो है हम चेंज कर देंगे, अब ये कॉलम में था तो इसको रो में बना देंगे। देखिए कैसे, वही चीज को जस्ट टू जस्ट रो में लिख देंगे। ठीक है, 1 बाई 2 माइनस 1, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, ऐसा इसको बना देंगे, अभी और बनाएंगे जो कि हम लोग को और समझ में आएगा। चलिए हम लोग दूसरा बनाते हैं। तो दूसरा नंबर में क्या है, क्वेश्चन देख लीजिए बुक में, 1 माइनस 1 2 3। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, अब इसको क्या करना है, ये भी उसी टाइप का है, 2 इंटू 2 मैट्रिक्स में है ना दोस्तों, यानी कि 2 ठो रो है और 2 कॉलम है। ठीक है ना, तो जैसे है ये, जैसे जैसे कि ये रो है 1 और 2, तो आपको रो में है ना, तो इस रो में करें, सॉरी ये 1 और 2 क्या है, कॉलम में है, तो आपको रो में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यानी कि 1 और 2 ऐसे लिखाएगा, यानी कि वर्टिकल है, देखिए देखिए इस टाइप का, यानी कि सपोज डैट ऐसे है कोई भी नंबर, तो आपको कैसे बना देना है, इसको ऐसे बना देना है। ठीक है, यानी कि वर्टिकल था तो हॉरिजॉन्टल में इसको कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, यही चीज़ है आसानी, इसको याद करने का आसान तरीका है, सबसे आसान तरीका, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में था उसको हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ था। अब देखिए हम सपोज डैट मान लीजिए ए इज इक्वल टू ले लेते हैं, तो ट्रांसपोज अगर करना है तो आपको पता है ना क्या करना है, ए ट्रांसपोज, यह है ए ट्रांसपोज, और फिर मैट्रिक्स का सिग्नेचर देंगे, और 1 और 2 वर्टिकल शेप में लिखा हुआ था ना, तो इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल में लिख देंगे आराम से 1 और 2, और इसको -1 और 3 वर्टिकल में है तो इसको हॉरिजॉन्टल में लिख देंगे। हो गया, हो गया ना। अब देखिए चेक कीजिए कि ये जो है, देखिए ये रो है ना 1 और -1, तो इसको हम क्या कन्वर्ट कर दिए, कॉलम में कन्वर्ट कर दिए था ना दोस्तों, देखिए 1 और -1 हो गया कन्वर्ट, और 2 3 ये जो था क्या था, रो था ना दोस्तों, तो इसको हम क्या कर दिए,
वर्टिकल शेप में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब चलिए हम लोग, अब आ ही गया होगा आपको समझ में, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बोल रहा है तीसरा नंबर में, तीसरा नंबर में क्या है, -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1, ओके ऐसे लिख लिए। इसको भी बहुत इजी है, आराम से हम लोग बना लेंगे। तो ए ट्रांसपोज लिख लीजिए, जैसे ए इज इक्वल टू लेट ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, क्योंकि हमको ट्रांसपोज निकालना है, आपको जो भी चीज दिया जाएगा उसका ट्रांसपोज निकालना है। तो फट से देखिए ये क्या है, किसी को भी चुन लीजिए, आप इसको भी चुन सकते हैं, लेकिन आप हॉरिजॉन्टल चूज कर रहे हैं तो आपको हॉरिजॉन्टली चूज करना पड़ेगा पूरा केस में। अगर वर्टिकल चूज कर रहे हैं तो आपको पूरे केस में जो है वर्टिकल ही चूज करना पड़ेगा, ठीक है ना, तभी आपका सही होगा, याद रहे ये चीज। तो -1 √3 और 2 है, तो ये क्या है वर्टिकल में ना, तो आसानी से हम उसको लिख देंगे एकदम आराम से, ठीक है। अब ये 5 5 3 एकदम आराम से 5 5 3 ये कॉलम था तो रो में कन्वर्ट कर दिए, यानी कि ट्रांसपोज करना है, ठीक है। 6 6 -1 ये क्या है, खड़ा है एक तरह से वर्टिकल, तो हम इसको सुता देंगे, यानी कि 6 6 -1, ठीक है, कन्वर्ट कर दिए क्या चीज में, रो में, यानी कि रो मतलब हॉरिजॉन्टल, ओके आ ही गया होगा आपको समझ में। अब तो अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब 2 नंबर क्वेश्चन है, ए इज इक्वल टू -1 2 3 5 7 9, ये दिया हुआ है मैट्रिसेस -2 1 1, ओके दिया हुआ है। और बी इज इक्वल टू, दोस्तों दिया हुआ है क्या लिख लेता हूँ मैं, बी इज इक्वल टू -4 1 1 1 2 3 -5 0 1, ओके ये है मैट्रिसेस का सिग्नेचर लिख दिया। अब क्या बोलता है क्वेश्चन में, देखिए यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हम लोग क्वेश्चन बोल रहा है वेरीफाई कीजिए, वेरीफाई डैट, पहला नंबर क्या बोल रहा है, ए प्लस बी, यानी कि ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज, यानी कि ए जो दिया हुआ है ना और बी जो दिया हुआ है, एकदम आसानी से समझिएगा, ए पहले और बी को हम लोग शांति से जोड़ लेंगे, ठीक है, एकदम आराम से, फिर उसको होल ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है, अंतिम में यानी कि लास्ट में उसको ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि एक बार आपको सबसे पहले ए दिया हुआ था तो उसको ट्रांसपोज कर लेना है पहले, ठीक है, फिर बी दिया हुआ है तो बी को ट्रांसपोज कर लेंगे पहले, ठीक है। तो एक बार क्या जी नाम है, ए और बी का जोड़ करके होल ट्रांसपोज कीजिए, एक बार सेपरेट कीजिए, क्या ये बराबर आ रहा है, इक्वल आ रहा है क्या, ये आपको दिखाना है, वेरीफाई करना है, ठीक है। अगर इक्वल आ जाएगा तो आपका आंसर सही, अगर इक्वल नहीं आएगा तो आपका आंसर गलत। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। तो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको ए प्लस बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, तो यानी कि ये है क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं, तो ए प्लस बी को हम लोग सेपरेटली जोड़ लेते हैं, तो ए हमारा दिया हुआ है यहाँ पर और बी भी दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, तो उसको आसानी से हम लोग जोड़ लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं ए प्लस बी इज इक्वल टू, तो जो भी दिया हुआ है उसका वैल्यू लिख लेते हैं, -1 2 जल्दी जल्दी लिख लेते हैं, ठीक है, एकदम आप ही लिख लीजिए, समझिए बहुत ईजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। -4 1 1 1 2 3 -5 0 1 लिख लिए। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे, तो आपको तो पता ही होगा कैसे जोड़ा जाता है, यानी कि जो प्लेस पे जो भी चीज़ है उसी के हिसाब से, यानी कि -1 का कौन है -4, 2 का कौन है ऐसे ऐसे करके, जैसे 7 का कौन है 2 है, इसी टाइप से हम लोग जोड़ते हैं। तो जो भी बीच का सिग्नेचर बोलेगा, जो भी हमको काम करने के लिए, उसी के हिसाब से काम करेंगे। यहाँ पर क्या बोल रहा है, प्लस करने के लिए, तो हम इसको प्लस करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग करते हैं, तो यहाँ पर मैट्रिसेस का हम सिग्नेचर दे दिए, ठीक है। तो हम इसको आसानी से बता देते हैं, -1 लिखा हुआ है, ठीक है, -1 प्लस फिर यहाँ पर -4 है, तो उसको लिख लीजिए एकदम आराम से। तो फिर यहाँ पे -4 लिखा तो अटपटा लगेगा ना, तो इसको इसको ब्रैकेट में लिखिए, ठीक है। तो ब्रैकेट में लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि -1 प्लस 4, अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, 2 प्लस 1 3 प्लस, यानी कि 3 प्लस, फिर इसके बाद -5 है, ठीक है, इतना हुआ 5 प्लस 1, तो 5 प्लस 1 हो गया, 7 प्लस 2 फिर 9 प्लस 0
नाइन प्लस जीरो लिख लिए, फिर माइनस टू, माइनस टू प्लस वन, ठीक है, फिर वन प्लस थ्री, मतलब कि उसके उसके जगह पे एकदम आसानी से जोड़ेंगे, एकदम बहुत इजी है, एकदम कन्फ्यूजन एकदम होना ही नहीं है, ठीक है। वन प्लस फिर वन हो गया, अब इसको हम लोग कर लीजिए, यानी कि यही चीज़ था बड़ा, सबसे बड़ा इसमें प्रोसेस। तो चलिए अब इसको आसानी से हम लोग जोड़ घटाओ तो कर ही सकते हैं। अब यहाँ पे माइनस है, फिर ये प्लस माइनस भी माइनस ही होगा, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस, तो सिग्नेचर बड़ा किसका है, तो माइनस ही है ना यहाँ पर, तो माइनस फाइव दे देंगे, ठीक है। यहाँ पर टू प्लस वन थ्री होता है, फिर यहाँ पर थ्री प्लस माइनस माइनस होता है, यानी कि थ्री माइनस फाइव तो घटेगा ना, तो देखेंगे कि साइन किसका बड़ा है, माइनस का है, तो सबसे पहले माइनस लिख लेंगे, फाइव में से थ्री घटेगा तो टू होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, फाइव प्लस यहाँ पर वन हो गया सिक्स, सेवन प्लस टू नाइन हो गया, फिर यहाँ पर नाइन हो गया, यहाँ पर क्या हो गया माइनस वन हो गया, यहाँ पर फोर हो गया और यहाँ पर टू हो गया, ठीक है। यानी कि ए प्लस बी हमारा इतना आया, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करना था, यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज ना, तो ए प्लस बी हमारा ये इतना आया, तो ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज कितना आएगा, ए प्लस बी तो हमको तो पता चल गया ना, ये है ना, तो इसके ऊपर ट्रांसपोज, तो यानी कि अब हम लोग इसको ट्रांसपोज कर देंगे, तो यानी कि जैसे वर्टिकल है तो इसको हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो माइनस फाइव सिक्स माइनस वन है, तो हम लोग इसको हॉरिजॉन्टल में लिख देते हैं, माइनस फाइव सिक्स माइनस वन, ओके लिख दिए, हो गया दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर थ्री नाइन फोर है, तो थ्री नाइन फोर हॉरिजॉन्टल में है, सॉरी वर्टिकल में है, तो इसको हॉरिजॉन्टल में लिख देते हैं, थ्री नाइन फोर, और ये भी माइनस टू नाइन टू, ओके। अब ये हो गया आपका ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज, इतना वैल्यू निकला। अब आपको क्या करना है कि ए ट्रांसपोज सेपरेट, बी ट्रांसपोज सेपरेट, उसका हम लोग जोड़ेंगे और दिखाना है क्या ये इसके बराबर आ रहा है उसका वैल्यू, चलिए देख लेते हैं। ओह सॉरी, चलो ठीक है। तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ठीक है, ये बोल रहा है, तो हमको तो ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज का तो वैल्यू दिया हुआ नहीं है दोस्तों, तो क्या करेंगे, देखिए हमको तो ए का वैल्यू दिया हुआ है ना, ए इज इक्वल टू, तो हम आसानी से ए ट्रांसपोज को तो निकाल सकते हैं, आपको तो पता ही होगा ए ट्रांसपोज कैसे निकाला जाता है, हम बता भी दिए हैं, ठीक है, और बी ट्रांसपोज भी आप निकाल सकते हैं आसानी से, तो चलिए हम ए ट्रांसपोज डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है, आपको समझ में आ ही गया होगा। तो ए इज इक्वल टू जो भी चीज लिखा हुआ था, जो भी जैसे रो में था तो उसको हम लोग कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, और कॉलम में था तो रो में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल था तो वर्टिकल में कन्वर्ट कर देंगे, यही चीज है। तो चलिए तो इसको लिख लेते हैं, ए ट्रांसपोर्ट क्या, ए ट्रांसपोर्ट क्या सकता है, यानी कि ऐसे था तो उसको ऐसे लिख देंगे, माइनस वन फाइव माइनस टू, वर्टिकल में है माइनस वन फाइव माइनस टू लिख दिए, फिर टू सेवन वन, टू सेवन वन, ठीक है, टू सेवन वन था ना, तो टू सेवन वन ऐसे लिख दिए। अब क्या है, थ्री नाइन वन, थ्री नाइन वन लिख दिए, तो यानी कि ए ट्रांसपोज है ये, ठीक है, हम इसको शॉर्ट में थोड़ा लिख रहे हैं, फिर बी, बी है, तो बी ट्रांसपोज क्या होगा दोस्तों, तो बी इज इक्वल टू जो भी चीज था वर्टिकल में उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट कर देंगे, जैसे यहां पर वर्टिकल में जो है क्या है, माइनस फोर वन वन, तो हम इसको हॉरिजॉन्टल में देते हैं माइनस फोर वन वन, ठीक है। अब यहां पर क्या है, वन टू थ्री, वन टू थ्री, और यहां पर माइनस फाइव जीरो वन, माइनस फाइव जीरो वन लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब आसानी से हम लोग इसको जोड़ देंगे, ठीक है, यानी कि सेपरेट हो गया ना ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, ठीक है, अब इसको जोड़ देते हैं, चलिए तो वैसे ही जोड़ेंगे जिसके पहले जैसे जोड़े थे, ठीक है, लिख दिए, और यहां पर माइनस वन प्लस माइनस फोर, ठीक है, फाइव प्लस वन माइनस टू प्लस वन, ठीक है, और यहां पर टू प्लस वन, सेवन प्लस टू, वन प्लस थ्री, ठीक है दोस्तों, थ्री प्लस माइनस फाइव, नाइन प्लस जीरो, वन प्लस वन, ठीक है, लिख दिए। अब क्या करेंगे, दिख रहा है ना, अब इसको जोड़ घटाओ कीजिए, सब्ट्रैक्ट ऐड सब्ट्रैक्ट कीजिए, अब यहां पर ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, यानी कि माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो जुटेगा, जोड़ेंगे ना,
फोर वन फाइव हो जाएगा और साइन बड़ा किसका, माइनस ही है तो सिर्फ माइनस ही लिखेंगे, ठीक है। फाइव प्लस वन सिक्स, यहाँ पर माइनस वन, यहाँ पर थ्री, यहाँ पर नाइन, यहाँ पर फोर, और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस यानी कि सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो घटा देंगे इसको, ठीक है। तो बड़ा साइन किसका है, माइनस का है, टू हो जाएगा, यहाँ पर नाइन हो जाएगा, यहाँ पर टू हो जाएगा, ठीक है। इसको लिख दिए ऐसे। तो अब चेक करना है कि ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज का इतना वैल्यू आया और ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज का वैल्यू कितना आया था। अब देखना है क्या ये सेम है, ठीक है, देखते हैं सेम है कि नहीं। ये चीज देख लीजिए, यानी कि वर्टिकल में देखिए माइनस फाइव थ्री टू है, क्या है यहाँ माइनस फाइव थ्री और माइनस टू है यानी कि ये सही हुआ, ठीक है। और सिक्स नाइन नाइन है, तो क्या है यहाँ सिक्स नाइन नाइन है यहाँ, यानी कि ये भी सही हो गया, ठीक है। और क्या है माइनस वन फोर टू, क्या है यहाँ माइनस वन फोर टू, यानी कि ये सही हो गया, यानी कि ये प्रूव हो गया वेरीफाइड, ठीक है, यानी कि वेरीफाइड हो गया। इसी को हम लोग ऐसे करके वेरीफाइड करना था, ठीक है। चलिए यानी कि लिख लीजिएगा कि a प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इट इज इक्वल टू आंसर हो गया, ठीक है। अब यानी कि हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे में क्या बोल रहे हैं, आगे में भी यही क्वेश्चन है, क्या है कि a माइनस बी का होल ट्रांसपोज और a ट्रांसपोज b ट्रांसपोज, वही चीज है, ठीक है। इसको हम लोग तेजी से बनाते हैं, अगर समझ में आ ही गया होगा आपको, लेकिन हमको बनाना है पूरा क्वेश्चन ताकि कुछ छूटना ना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग बना लेते हैं स्पीड में जल्दी जल्दी करके, बनाते हैं, ठीक है। आ गया होगा दोस्तों समझ में, चलिए इसको बना लेते हैं, इसको भी क्वेश्चन तो पता ही है। तो a माइनस बी का होल ट्रांसपोज, ठीक है। तो सबसे पहले a माइनस बी हम लोग घटा लेते हैं, तो a माइनस बी, ठीक है। तो a का वैल्यू लिख लेते हैं, a का वैल्यू कितना है, वही चीज़ था माइनस वन टू थ्री फाइव सेवन नाइन माइनस टू वन वन और माइनस है ना बीच में, इसमें जो है माइनस है तो माइनस लिखेंगे बीच में, ठीक है। और माइनस फोर वन माइनस फाइव वन वन टू थ्री जीरो वन, ओके, यानी कि लिख लिए ये चीज, ठीक है। a माइनस बी अब क्या करेंगे, घटाएंगे सब्ट्रैक्ट करो, तो माइनस वन माइनस यहां पे जैसे जैसे लिख लीजिए, ठीक है, यहां पर ऐसे करके लिख लिए टू माइनस वन थ्री माइनस फिर यहां पर माइनस थ्री माइनस फिर यहां पे माइनस फाइव लिख लिया, फाइव माइनस वन सेवन माइनस टू नाइन माइनस जीरो माइनस टू माइनस वन वन माइनस थ्री वन माइनस वन, ओके लिख लिए। अब इसको थोड़ा और अरेंज कर लेते हैं, तो माइनस वन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा फोर, टू माइनस वन माइनस माइनस प्लस, ठीक है। और यहाँ पर फाइव माइनस वन लिख लेते हैं, अभी नहीं घटा रहे हैं, अगला बार में घटा देंगे, ठीक है। यहाँ पर नाइन ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर वही चीज़ लिख देते हैं, सॉरी वन माइनस थ्री और वन में से वन घटा दो जीरो हो ही जाता है। अब इसको फाइनलाइज कर लेते हैं, ठीक है, लिख रहे हैं, दिख रहा है ना दोस्तों, ऐसा हुआ। फिर उसके बाद हम लोग फाइनलाइज कर लेते हैं, यहाँ पर माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है यानी घटाने के लिए बोल रहा है, यानी कि देखेंगे फोर में से वन घटाएंगे तो थ्री होता है, साइन किसका बड़ा, प्लस का, तो जीत गया। अब यहाँ पर टू माइनस वन वन होता है और यह थ्री एट हो गया और यहाँ पर फोर हो गया फाइव हो गया नाइन हो गया और यहाँ माइनस माइनस प्लस जोड़ दो और फिर साइन बड़ा किसका, माइनस का, और इसमें घटा दो साइन बड़ा किसका, माइनस का, जीरो हो गया, यानी कि इतना आया a माइनस बी इज इक्वल टू आया सेपरेट। अब a माइनस बी इज इक्वल टू इतना आया, तो a माइनस बी का होल ट्रांसपोज कितना होगा, तो यानी कि इसको हम लोग क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, ठीक है, यानी कि वर्टिकल में जो है उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। थ्री फोर माइनस थ्री थ्री फोर माइनस थ्री वन फाइव माइनस टू एट नाइन जीरो, ओके हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी कि हमारा a माइनस बी का होल ट्रांसपोज निकल चुका, अब a
ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज का आप हम लोग को निकालना है वैल्यू। तो ए ट्रांसपोज का क्या होगा, तो ए जो था उसको हम लोग ट्रांसपोज कर देंगे जैसे पहले किए थे, ठीक है, आपको तो पता ही होगा। अब चलिए ए ट्रांसपोज को हम स्पीड में कर लेते हैं, ट्रांसपोज माइनस वन फाइव टू, ठीक है, माइनस वन फाइव माइनस टू हो गया यहाँ पर टू सेवन वन थ्री नाइन वन, ठीक है, हो गया हुआ, ठीक है। और फिर माइनस है बीच में तो माइनस दे देंगे, और बी को भी कर लेते हैं माइनस फोर वन 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 टू थ्री और माइनस वन फाइव जीरो वन, ओके लिख लिया। वैसे ही इसको माइनस भी कर देंगे छठ से, माइनस वन माइनस माइनस फोर फाइव माइनस वन माइनस टू माइनस माइनस यहाँ पे हो गया वन, फिर इसके बाद टू माइनस वन सेवन माइनस टू, ठीक है, आ रहा समझ में, वन माइनस थ्री, ओके। अब थ्री माइनस माइनस फाइव थ्री माइनस माइनस फाइव नाइन माइनस जीरो वन माइनस वन, ओके। अब क्या करेंगे कि थोड़ा इसको अरेंज कर लिया जाए, माइनस माइनस प्लस फोर फाइव में से वन घटाइए फोर माइनस माइनस प्लस माइनस थ्री, ठीक है, और यहाँ पर वन हो गया फाइव हो गया और यहाँ पर माइनस टू हो गया और माइनस माइनस प्लस और फिर इसके बाद प्लस हो जाएगा तो एट हो जाएगा, ठीक है, नाइन हो गया और यहाँ पर जीरो हो गया। अब इसको और अरेंज करो थोड़ा सा, घटाएंगे घटाएंगे तो क्या हो जाएगा थ्री फोर माइनस थ्री वन फाइव माइनस टू, ये सब तो हो चुका है एट नाइन जीरो, ठीक है, यानी कि ये आया ए माइनस बी, यानी कि ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज का होल आया, ठीक है। अब देखना है क्या ये सेम है, चलिए देखते हैं सेम है कि नहीं। क्या है थ्री वन एट थ्री वन एट, यहां पर क्या है फोर फाइव नाइन फोर फाइव नाइन माइनस थ्री माइनस टू जीरो माइनस थ्री माइनस टू जीरो, ओके फाइन, ठीक है, यानी कि ये सही है, वेरीफाइड हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्री, थ्री नंबर में क्या है, देखिए थ्री इज इक्वल थ्री में क्या है, ए इज इक्वल टू यानी कि ए ट्रांसपोज दिया हुआ है, ठीक है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ये है हमारा और बी इज इक्वल टू दिया हुआ है, यानी कि ए ट्रांसपोज है और बी नॉर्मल ट्रांसपोज है, यानी कि ये जो है बी जो है दिया हुआ है, देन वेरीफाई डैट ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज, यानी कि वैसा ही क्वेश्चन है, बस इसमें क्या है कि ए जो है नहीं दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू नहीं दिया हुआ, ठीक है। यहाँ क्या दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ है ए ट्रांसपोज, तो क्या आप तो जानते ही होंगे कि अगर ए ट्रांसपोज अगर दे दिया है सिर्फ हमको, तो हम उसके हेल्प से ए का वैल्यू हम चुटकी में निकाल सकते हैं, ठीक है, फिर से हम इसको ट्रांसपोज कर देंगे तो अपने प्लेस पर आ जाएगा ना वापिस, ठीक है, जैसे बी को ट्रांसपोज कीजिएगा तो ऐसा बन जाएगा ना, ठीक है, तो फिर इसको भी तो हम लोग फिर से ट्रांसपोज करके जैसे पहले था वैसे कन्वर्ट कर सकते हैं ना, तो वैसे हम लोग सबसे पहले कन्वर्ट कर लेंगे ताकि हम लोग इजी वे में फिर से बनाएं, ठीक है, तो वैसे ही है, बहुत इजी है, चलिए बना लेते हैं स्पीड में जल्दी जल्दी। थ्री नंबर क्वेश्चन लिख लेते हैं फट से, तो ए ट्रांसपोज हमारा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है दोस्तों, ए ट्रांसपोज है थ्री फोर माइनस वन टू जीरो वन, ओके, यानी कि ये दिया हुआ है ट्रांसपोज और हम इससे ए का वैल्यू निकाल सकते हैं ना, सिर्फ ए का वैल्यू, तो एक बार इसको फिर से ट्रांसपोज कर देंगे तो अपने प्लेस पर वापस आ जाएगा, तो थ्री माइनस वन जीरो थ्री माइनस वन जीरो फोर टू वन फोर टू वन, यानी कि ए इज इक्वल टू निकल गया ना, अब कितना इजी हो गया, और बी इज इक्वल टू दिया ही हुआ है हमारे पास वैल्यू, यह ऐसा हो गया, ठीक है, ए ट्रांसपोज, ठीक है। अब यहां पर b इज इक्वल टू में क्या दिया हुआ दोस्तों, b इज इक्वल टू में यहां पे दिया हुआ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ जी, माइनस वन टू वन और यहां पर वन टू थ्री, ठीक है, b इज इक्वल टू का वैल्यू दिया हुआ है, अब क्या करना है, वैसे ही काम करना है, हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला एम क्या है कि वेरीफाई कीजिए a प्लस
बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोग अभी करेंगे, तो ए प्लस बी का सबसे पहले नॉर्मल है हम लोग जोड़ देते हैं, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू, तो ए का वैल्यू लिख लो और बी का वैल्यू लिख लो। तो ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू यहाँ पर जो भी चीज लिखा हुआ उसको हम लोग लिख देते हैं, थ्री फोर, थ्री फोर माइनस वन टू जीरो वन, ओके लिख दिए। अब लिखने के बाद बीच में क्या है, प्लस बी का वैल्यू हमारा दिया हुआ है वैल्यू, यह है बी का वैल्यू माइनस वन टू वन वन टू थ्री, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग इसको जोड़ देते हैं, ठीक है, तो जोड़ेंगे तो थ्री प्लस, फिर यहाँ पर माइनस वन, माइनस वन प्लस, माइनस वन प्लस टू, जीरो प्लस वन, ठीक है, लिख दिए एकदम आसानी से, फोर प्लस वन, टू प्लस टू, और फिर इसके बाद वन प्लस थ्री, ओके। अब क्या करेंगे हम लोग जोड़ देते हैं आसानी से, अब इसको हम लोग जोड़ घटाओ कर देते हैं, अब ये माइनस हो जाएगा ना, तो लिख देते हैं, चलिए लिख ही देते हैं, सोचना नहीं है, और यहाँ पर भी घटेगा तो माइनस प्लस माइनस होता है, प्लस साइन बड़ा है वन हो जाएगा, और यहाँ पे वन हो जाएगा, फोर प्लस वन फाइव हो जाएगा, और यहाँ पर टू फोर, और यहाँ पर फोर हो जाएगा। अब इसको हम यहीं पे लिख देते हैं इम्प्लाई देकर, यानी कि नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। तो यानी कि टू हो गया वन वन फाइव फोर फोर, ओके। तो यानी कि हमारे ये ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज निकला, ये सॉरी ए प्लस बी का सिर्फ निकला वैल्यू। तो अब इसको आसानी से ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज निकाल सकते ना है, तो ये कैसे निकलेगा, वैसे ही ट्रांसपोज कर देंगे, ठीक है। तो टू फाइव ये चीज था तो वर्टिकल में था, तो इसको कन्वर्ट कर देते हैं हॉरिजॉन्टल में, तो वन फोर वन फोर, ओके। तो इसको लिख दिए, इतना है ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज। अब चलिए ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज सेपरेट निकाल लेते हैं, तो ए हम लोग ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज को सेपरेट करके क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट और ऐड करेंगे, जैसे भी होगा। तो यहाँ पर ऐड करने के लिए बोल रहा है तो हम लोग ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं क्या है, तो ए ट्रांसपोज का तो वैल्यू हमको दिया हुआ है, तो हम नो टेंशन, आराम से हम लोग क्या कर लेंगे, उसका वैल्यू लिख लेंगे। तो ए ट्रांसपोज का बुक में देख लीजिए क्या वैल्यू है, ए ट्रांसपोज का वैल्यू है थ्री फोर माइनस वन टू जीरो वन, ओके। अब लिखने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर बीच में क्या है प्लस, तो बीच में प्लस दे दिए। अब बी ट्रांसपोज बोला, तो बी ट्रांसपोज तो हमारे पास वैल्यू है नहीं, लेकिन हम तो निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास बी का वैल्यू दिया हुआ है, इसलिए तो यहाँ पर क्या है, जो भी वैल्यू दिया हुआ बी इज इक्वल टू, उसको हम लोग ट्रांसपोज कर लेंगे। तो बेसिक चीज है, तो आप लोग ट्रांसपोज कर लीजिए, ठीक है, ठीक है। तो उसका हम लोग डायरेक्ट ट्रांसपोज करने का वैल्यू लिख लेते हैं, तो जैसे लिखा हुआ उसको लिख देते हैं हम, टू टू वन थ्री, ठीक है। तो यानी कि ये जो देख रहे हैं आप दोस्तों सॉरी, तो आप जो देख रहे हैं ना ये वैल्यू, तो ये जो है बी ट्रांसपोज है, तो हम लोग इसको आराम से जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, तो थ्री प्लस, थ्री प्लस माइनस वन, ठीक है, फोर प्लस वन हो गया, और यहाँ पर माइनस वन प्लस टू, और यहाँ पर टू प्लस टू, ओके, और यहाँ पर जीरो प्लस वन, जीरो प्लस वन, वन प्लस थ्री, ओके लिख लिए। अब क्या करेंगे, जोड़ लीजिए, इतना इजी तो है। और यहाँ पर इसका टू हो गया, फाइव हो गया, यहाँ पर वन हो गया, फोर हो गया, वन हो गया, फोर हो गया, ओके। यानी कि ऐड सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा इतना वैल्यू निकला, तो यानी कि ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज का हमारा फाइनलाइज वैल्यू निकल चुका है, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या ये वेरीफाई हुआ क्या, तो टू वन वन वैल्यू दिया हुआ है, तो देखते हैं क्या यहाँ पर, हाँ है, तो टू वन वन वैल्यू है यहाँ पर, फाइव फोर फोर, चलिए देखते हैं है कि नहीं, फाइव फोर फोर हो गया वेरीफाइड। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसमें भी वैसा ही क्वेश्चन है, क्या है a माइनस बी, तो a माइनस बी का होल ट्रांसपोज वैसे ही करना है, चलिए कर लेते हैं जल्दी जल्दी। a माइनस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज के बराबर दिखाइए, इक्वल दिखाना है, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग a का वैल्यू, a माइनस बी का वैल्यू निकाल लेते हैं सेपरेटली। तो a का वैल्यू कितना है दोस्तों, ए का वैल्यू है हमारा, इसी को ट्रांसपोज कर लेते थे ना, तो ए का वैल्यू हम यहाँ पे निकाल लिए हैं थ्री फोर माइनस वन, थ्री फोर
-1, 2, 0, 1, यानी कि ए का वैल्यू ये है, ठीक है। तो और बोल रहा है माइनस बी का वैल्यू कौन सा है, तो बी का वैल्यू दिया हुआ है क्या, बी का वैल्यू जो है दिया हुआ है, तो जो भी बी का वैल्यू है उसको लिख लेते हैं, ठीक है, ठीक है, तो उसको लिख लेते हैं। तो यानी कि यहाँ पर बुक में दिया हुआ है वैल्यू, ठीक है, हाँ 1, 2, 3, ठीक है, ये हमारा बुक में वैल्यू दिया हुआ था उसको लिख लिए। तो हम इसको आराम से हम लोग वैसे ही सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं जल्दी जल्दी, 3 माइनस और यहाँ पर -1, ठीक है, -1 फिर माइनस और यहाँ पे 2, 0, -1, तो यानी कि 1 ही होगा ना, तो बहुत सिंपल है, 4, -1 लिख लेते हैं 3, 2, -2, 0, 1, -3 यानी कि 1, -3 चलिए लिख ही लेते हैं, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, ए प्लस बी का वैल्यू निकल, एक माइनस बी का सॉरी निकल जाएगा वैल्यू। अब माइनस माइनस प्लस है तो प्लस ही ना होगा, तो हम लोग थोड़ा सा हाईटेक बनेंगे, प्लस हो गया यहाँ पर, अब यहाँ पे -3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसमें से घटाएगा तो -2 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि इतना वैल्यू निकला, ओके, किसका वैल्यू निकला, ए माइनस बी का सिर्फ वैल्यू निकला। अब इसको ट्रांसपोज करेंगे तो यहीं पर ट्रांसपोज कर लिया जाए क्या, यहीं पर ट्रांसपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे था उसका जस्ट उल्टा, ठीक है, तो 4, 3 है ना, क्या है, खड़ा है एक तरह से, तो उसको सुता देते हैं, चलिए सुता दे दिया, -3, 0 माइनस यहाँ पे 1, -2 हो गया, यानी कि ये ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज ये निकल गया, ठीक है। अगर आपको और चीज़ थोड़ा सा कन्फ्यूजन मिटाना है तो यहाँ पर आप ट्रांसपोज का सिग्नेचर यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है, दे सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि इसको ट्रांसपोज कीजिएगा तो ऐसा आउटपुट मिलेगा आपको, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वो तो उसका कहानी हो गया साफ, अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज का। तो ए ट्रांसपोज का तो हमको तो वैल्यू दिया हुआ है, आराम से हम उसको लिख लेते हैं। तो ए ट्रांसपोज का क्या है भाई, लिख लीजिए, लिख लिए, और यहाँ पर 4, 2, 1, और बी ट्रांसपोज का वैल्यू हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो बी ट्रांसपोज क्या है जी, -1, 1, 2, 2, 1, 3, ओके, लिख लिया। अब इसको आसानी से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, दिख रहा ना, 3 -1, 4 -1, ओके, -1 -, फिर यहाँ पे 2 हो गया, 2 -2, 0 होता है ना, लिख लेते हैं क्या, 0 लिख देते हैं, इतना सोचना क्या है, 0 माइनस यानी कि -1 लिख देते हैं, 1 -3 तो लिख देते हैं उसको, 1 -3, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, अब इसको माइनस माइनस प्लस होता है तो 4 लिख दिए, यहाँ पे 3 हो गया, -, यानी कि जुटेगा और साइन किसका रहेगा, माइनस ही का रहेगा, ठीक है, -3, यहाँ पर 0 हो गया, -1 हो गया और यहाँ पे -2 हो गया, ठीक है दोस्तों, लिख दिए, यानी कि ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज का एकदम फाइनलाइज वैल्यू निकला। अब चलिए चेक करते हैं क्या ये हमारा सेम हुआ, तो 4 -3 -1, 4 -3 यहाँ पर क्या है, -1, तो यानी कि ये रॉन्ग है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है, कहाँ हो रहा है जी गड़बड़, कहाँ हो रहा है, तो चलो देख लेते हैं कहाँ गड़बड़ हो रहा है। 0 था ना यहाँ पर, 0 था, 0 -1, बी का वैल्यू क्या था जी, बी ट्रांसपोज का वैल्यू था -1, फिर इसके बाद 1, 2, 2 और 1, 3, ठीक तो है, तो गलती हो गया कहीं ना गलती, कहीं छोटा सा गलती लगता है, यहाँ तो सही है एकदम कंफर्म सही है, तो उसमें कहीं गड़बड़ होगा, तो हम लोग उसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कहीं हो जाता है एक बार, 4 -1 हो गया, 3 हो गया, 0 हो गया, यहाँ पर -2 हो गया, ठीक है, ये तो ठीक है। तो 4, 3, 1 यानी कि यहाँ गड़बड़ा रहा है ना, तो यहाँ पे कैसे गड़बड़ा रहा है जी, ओ देखिए देखिए, सॉरी सॉरी, देखिए कितना इजी था स्पीड में बनाने के चक्कर में, यानी कि 0 -1 है ना दोस्तों, तो 0 -1 इसलिए लिख लेते हैं हम लोग हरदम कि गड़बड़ ना हो, ठीक है। तो यानी कि 0 -1, तो -1 तो आगे लग रहा है ना, अब आ गया समझ में दोस्तों, चलिए गलती हो गया कोई बात नहीं होता है, और यहाँ पर -1 लिख लेते हैं, ठीक है, हो गया, हो गया ना दोस्तों, यानी कि सेम टू सेम हो गया ये। अब यहाँ पर
3 0 माइनस 2 हो गया सेम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि अब हम लोग को ए, यहां पर ए ट्रांसपोज दिया हुआ है और बी दिया हुआ है, ठीक है। देन फाइंड ए प्लस बी, ए प्लस टू बी का होल ट्रांसपोज, ठीक है। तो ए ट्रांसपोज यहां पे दिया हुआ है वैसे ही है, आराम से बना लेंगे, ठीक है। चलिए बनाते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है, एकदम ईजी, चलिए बनाते हैं। तो फोर नंबर में क्वेश्चन में क्या है कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस टू वन थ्री टू, ओके। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर b इज इक्वल टू दिया हुआ है क्या, माइनस वन जीरो, ठीक है, वन और टू। तो हम क्या करेंगे इसमें कि अब सबसे पहले सेपरेटली a इज इक्वल टू हम लोग निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पर नहीं ना है और यहाँ पर b का है, b इज इक्वल टू है, लेकिन हम इससे हम a आसानी से निकाल सकते हैं a ट्रांसपोज से। तो चलिए, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, तो माइनस टू और वन जो है क्या है, वर्टिकल है, तो इसको हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट कर देते हैं, माइनस टू वन थ्री और टू, ओके। यानी कि ए इज इक्वल टू हो गया ये, ठीक है। अब यहाँ पर हमको क्या निकालना है, फाइंड क्या, फाइंड ए प्लस टू बी का होल ट्रांसपोज, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे ना कि ए प्लस बी शांति से हम लोग जोड़ लेंगे, ठीक है, ए प्लस टू बी। चलिए ए प्लस टू बी इज इक्वल टू क्या होगा, तो ए का वैल्यू हम लिख लेते हैं फट से, तो ए का वैल्यू जो है माइनस टू थ्री वन टू हो गया, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिख लीजिए, टू है ना, टू इंटू यानी कि टू इंटू बी, यानी कि टू मल्टीप्लाई सब में होगा बी में, यानी कि बी जितना एलिमेंट है सब में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो फोर सॉरी बी इज इक्वल टू क्या है दोस्तों, यहाँ पर है बी इज इक्वल टू माइनस वन जीरो वन और टू, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, तो माइनस टू थ्री वन और टू हो गया, और यहाँ पर जोड़िए मल्टीप्लाई कीजिए, तो इसमें अंदर चला जाएगा जीरो, और यहाँ पर टू वन जा टू टू या फोर हो गया, मल्टीप्लाई करने के बाद कितना ईजी हो गया ना, अब तो आसानी से हम जोड़ घटाव कर सकते हैं। चलिए कर लेते हैं, तो फिर क्या है कि तो देखिए माइनस टू प्लस माइनस टू लिख लेते हैं, माइनस टू प्लस माइनस टू लिख दिए, अब क्या है थ्री प्लस जीरो, तो पता ही होगा आपको क्या होता है, थ्री प्लस अरे सॉरी थ्री प्लस जीरो थ्री, अब क्या है वन प्लस टू, पता ही होगा क्या होता है थ्री, अब क्या है टू प्लस फोर, पता ही होगा क्या होता है सिक्स। अब चलिए अब इसको क्या कर लेते हैं ना, थोड़ा सा और ये था तो यहाँ पर इसको लिख लेते हैं थोड़ा सा और फाइनलाइज करके, तो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस सिग्नेचर रह जाएगा, वही चीज़ हो गया वन प्लस बन गया, तो यानी कि ए प्लस टू बी का वैल्यू इतना निकला, ठीक है। तो ए प्लस टू बी का होल ट्रांसपोज क्या होगा, बहुत ईजी, एकदम ईजी। तो ए प्लस टू बी का ये है फाइनलाइज, तो ए प्लस टू बी का, ए प्लस टू बी का होल ट्रांसपोज क्या होगा, तो जैसे कि ये जो है ए प्लस टू बी का वैल्यू है, तो उसको हम लोग ट्रांसपोज कर लेते हैं ना, तो हम तो आसानी से निकाल सकते हैं ए प्लस टू बी का होल ट्रांसपोज, ठीक है दोस्तों। तो अब क्या करेंगे, इसको हम लोग ट्रांसपोज कर लेते हैं, तो चलिए माइनस फोर थ्री और थ्री और सिक्स हो गया, कहानी खत्म, ठीक है, बस हो गया, यही चीज था, कितना ही था ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, फाइव नंबर, तो फाइव नंबर में क्या बोल रहा है कि फोर द मैट्रिक्स, फोर द मैट्रिसेस ए एंड बी, ठीक है। तो यानी कि आपको यहां पर ए और बी का वैल्यू दे दिया गया है मैट्रिक्स के रूप में, अब क्या बोलता है वेरीफाई कीजिए ए बी, यानी कि ए इंटू बी, ए के बीच में कुछ नहीं ना है, तो कुछ नहीं, तो यानी कि क्या बोल रहा है मल्टीप्लीकेशन करने के लिए, यानी कि ए मल्टीप्लाई बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, वह सही है, वैसे उसमें प्लस था, इसमें क्या मल्टीप्लीकेशन करना है, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं, तो पता है ना दोस्तों मल्टीप्लीकेशन कैसे किया जाता है, ए इज इक्वल टू में है जो है चीज उसको लिख लीजिए वन माइनस फोर थ्री, ठीक है,
और यहाँ पर b इज इक्वल टू माइनस वन टू वन लिख लिया। अब इसको क्या करना है ना कि जो चीज करना है वेरीफाई डेट, ठीक है। तो क्या करना है, ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज सेपरेट और ए ट्रांसपोज सेपरेट, यानी कि इसको मल्टीप्लीकेशन करना है, ठीक है। इतना हुआ, वेरीफाई करना है। तो चलिए सबसे पहले हम a इंटू बी कर लेते हैं, फिर उसके बाद आराम से ट्रांसपोज कर देंगे अंतिम में, ठीक है। तो a b क्या निकलेगा देखिए यहाँ पर, तो a जो वैल्यू लिखा हुआ है उसको लिख देते हैं, लिख दिया। b कितना वैल्यू लिखा हुआ है, लिख दिया उसको भी। अब देखिए इस केस में हम मल्टीप्लीकेशन करने में थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, कुछ ऐसा दिमाग नहीं है, बहुत ईजी है। जैसे कि आपने पहले देखा होगा कि 2 इंटू 2 का कॉलम और रो अगर सेम टू सेम रहता था, ठीक है, रो इंटू कॉलम जो रहता था सेम टू सेम, तो हम लोग जो है एक बार ऐसे करके मल्टीप्लीकेशन करते थे, फिर नीचे की ओर जाते थे, ठीक है, जाते थे ना, और बीच में प्लस लिखते थे। लेकिन यहाँ पर जो है क्या होगा, इसके पास तो है ही नहीं ना ज़्यादा रो और कॉलम, क्योंकि वो ये वन क्या है, ये देखिए इसमें एक एक एक, तो यानी कि ये कितना रो का है, एक रो का है, सॉरी, इसमें कितना कॉलम है, इसमें दोस्तों इसमें एक कॉलम है ना, और रो कितना है, एक दो तीन है, ठीक है। तो यानी कि ये इसमें कॉलम जो है वन है, यानी कि थ्री इंटू वन का है, और ये वन इंटू थ्री का है, ठीक है। तो इस केस में हम लोग और ईजी है ये, तो देखिए इसको कैसे मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो ए भी हम लिख दिए, एकदम सिंपल वे में इसको मल्टीप्लीकेशन करना है, खुद ऑटोमेटिक ये जनरेट हो जाएगा। देखिए यहाँ तो वन इंटू माइनस वन कितना होता है दोस्तों, उसको हम लोग लिख लेंगे, डायरेक्ट लिख लेंगे, यानी कि पारा पारी से सबको मल्टीप्लीकेशन करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, इससे फिर इससे फिर इससे, क्योंकि इसके नीचे है ही नहीं, इसलिए हम यहाँ पर कुछ प्लस और माइनस, प्लस नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, कुछ लंबा लेंदी टाइप का नहीं लिख रहे हैं, इसमें डायरेक्ट आराम से नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। फिर इसका काम हो जाएगा, तो फिर इसके साथ, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है, माइंड मेकअप कर लीजिए। और वन इंटू माइनस वन कितना हो जाएगा दोस्तों, माइनस वन हो जाएगा, और वन इंटू टू टू हो गया, वन इंटू वन वन हो गया, माइनस फोर इंटू माइनस वन, तो यानी कि माइनस माइनस प्लस, तो फोर हो गया। फिर यहाँ माइनस फोर इंटू टू माइनस एट हो गया दोस्तों। अब क्या करेंगे, माइनस फोर इंटू वन तो माइनस फोर हो जाएगा, और थ्री इंटू माइनस, और यानी कि थ्री इंटू टू सिक्स, ठीक है, और यहाँ पे थ्री बन जा थ्री हो गया दोस्तों। ठीक है, समझ में आ ही जाएगा, ठीक है, ये हो गया आपका। अब क्या करना है कि ए बी हमारा निकल चुका, तो ए बी का होल ट्रांसपोज तो हम आसानी से निकाल सकते हैं ना, बस इसी को ट्रांसपोज कर देंगे, ठीक है, इसी को ट्रांसपोज कर देंगे। तो माइनस फोर फोर और माइनस थ्री, तो यानी कि ये वर्टिकल और कॉलम शेप में लिखा हुआ है, तो इसको रो में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, और फिर उसके बाद वन माइनस फोर थ्री, ठीक है, लिख दिए। देखा हमारा जो है ए बी ट्रांसपोज हो गया। अब क्या करेंगे कि अब बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, ए का वैल्यू दिया हुआ और बी का वैल्यू दिया हुआ है, तो उसको सेपरेटली आराम से हम लोग ट्रांसपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो बी का हमारा दोस्तों दिया हुआ है ना वैल्यू, तो उसको हम लोग तो आराम से ट्रांसपोज कर सकते हैं, जैसे ये बी का वैल्यू है, तो इसको हम लोग ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो ये जो है हॉरिजॉन्टल वे में लिखा हुआ है, जिसको वर्टिकल वे में करेंगे ना, माइनस वन टू वन, तो माइनस वन टू वन हो गया ये, और ए को भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है, तो वो भी वर्टिकली में अपने बुक में देखिए, और उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल वे में कर लेते हैं, ठीक है। तो वन माइनस फोर थ्री, अब क्या करना है, तो ये क्या था, ए का ना वैल्यू है, तो हम लोग लिख दिए यहाँ पर, ठीक है, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज जो हमको निकालना है वैल्यू, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, माइनस वन इंटू वन कितना होगा, माइनस वन हो जाएगा, ठीक है, और इसमें भी बढ़िया आगे माइनस, और यहाँ पे माइनस फोर है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, फोर हो गया, फिर माइनस वन इंटू थ्री माइनस थ्री हो गया, और टू इंटू वन हो जाएगा कितना, टू, और फिर इसके बाद टू इंटू माइनस फोर माइनस एट हो गया। अब यहाँ पे टू इंटू थ्री कितना हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा, और वन इंटू वन वन, और फिर इसके बाद क्या करेंगे,
वन इंटू माइनस फोर यानी कि माइनस फोर, वन इंटू थ्री थ्री हो गया, यानी कि अब हमारा बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज निकल चुका है। ठीक है, अब देखना यह है कि ए बी का होल ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज सेपरेट और ए ट्रांसपोज सेपरेट, क्या ये वैल्यू सेम टू सेम आया है कि नहीं। चलिए देखते हैं, तो माइनस वन और टू वन है, तो देखते हैं कहां पर है ये वैल्यू, माइनस वन टू वन वैल्यू तो आ चुका है, और इसमें भी देख लेते हैं फोर माइनस एट और माइनस फोर क्या है, फोर माइनस एट माइनस फोर। ठीक है, और यहां पर माइनस थ्री सिक्स थ्री है, क्या माइनस थ्री सिक्स थ्री, यानी कि ये वेरीफाइड हो चुका है, सही है। ठीक है, तो वेरीफाइड। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसी में है। ठीक है, तो इसी में क्या है, दूसरा डिपार्टमेंट इसका टू, टू में है a इज इक्वल टू दिया हुआ है क्या, a इज इक्वल टू दिया हुआ है जीरो वन टू, और b इज इक्वल टू दिया हुआ है वन फाइव सेवन। ओके, अब क्या करना है आपको, यही चीज करना है, इसमें वेरीफाइड करना है। तो ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज सेपरेट और ए ट्रांसपोज सेपरेट। ठीक है, तो ए बी हम सबसे पहले आराम से मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, तो ए क्या है, जो भी चीज लिखा हुआ उसको लिख दीजिए, तो जीरो वन टू इंटू वन फाइव सेवन। ओके, अब क्या करेंगे कि इसको मल्टीप्लीकेशन करते हैं। ठीक है, एकदम नॉर्मली एकदम आराम से मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो जीरो इंटू वन कितना हो जाता है दोस्तों, जीरो, तो हमको ऐसा लगता है कि सब जीरो हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, जीरो ये भी जीरो ये भी जीरो, तो लिख देते हैं जीरो जीरो। ठीक है, तो वन इंटू वन वन, यानी कि वन से मल्टीप्लीकेशन करेंगे दोस्तों तो सेम टू सेम उतर जाएगा ना, थोड़ा एडवांस बनना चाहिए। ठीक है, तो वन इंटू वन वन हो जाएगा, वन इंटू फाइव फाइव, और फिर इसके बाद वन इंटू सेवन सेवन। ठीक है, टू वन जा टू और फाइव टू जा टेन और यहाँ पर सेवन डी जा फोर्टीन। ठीक है, अब क्या करना है, यानी कि ए बी का होल ट्रांसपोज निकल चुका है, सॉरी ए बी निकल गया, अब इसका हम लोग को होल ट्रांसपोज करना है ना दोस्तों, तो ए बी होल ट्रांसपोज इसका क्या होगा, बस इसको नॉर्मली ट्रांसपोज कर देंगे। ठीक है, तो यानी कि जो भी वर्टिकल शेप में लिखा हुआ उसको हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट कर देते हैं, तो जीरो वन टू और जीरो फाइव टेन जीरो सेवन फोर्टीन। ओके, हो गया, हाँ, तो यानी कि ए बी ट्रांसपोज हमारा निकल चुका है, अब सही बी ट्रांसपोज कर देते हैं, जबकि हमारे पास बी का वैल्यू दिया हुआ है तो उसको हम आसानी से ट्रांसपोज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या हो सकता है उसको लिख देते हैं, तो बी ट्रांसपोज को तो हम आसानी से कन्वर्ट कर देते हैं, तो 157 है ना, तो वो हॉरिजॉन्टल शेप में था तो इसको वर्टिकल में कन्वर्ट कर दिए, और फिर इसके बाद ए, ए क्या है बुक में देखिए 012, यहाँ पर 012 है दोस्तों, ये वर्टिकल शेप में है तो इसको हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट कर दें 012। ओके, अब इसको आसानी से हम लोग मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, सेम टू सेम उतर जाएगा सब चीज़ दोस्तों, और फिर उसके बाद 5 इंटू 0 0, 5 वन जा 5, 5 टू जा 10 और 7 0 0 और 7 वन जा 7 और फिर उसके बाद 7 टू जा 14। ओके, तो यानी कि हमारा जो है वैल्यू इतना आया, तो क्या ये सेम है क्या दोस्तों, देखिए 000 000 000 आ गया सेम इसमें आया, और फिर इसमें क्या है 157 क्या है 157। ओके, सही है, और 210 14 क्या है 210 14, यानी कि ये सही है, वेरीफाइड हो गया दोस्तों। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब क्या है सिक्स नंबर क्वेश्चन में, चलिए हम लोग क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं, देखने में लग रहा हो कि अरे बहुत हार्ड ही है लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो सिक्स नंबर में क्या है, ए इज इक्वल टू आपको कॉस अल्फा साइन अल्फा इस टाइप से दिया हुआ है। ठीक है, मैट्रिसेस के अंदर तो बोल रहा है कि वेरीफाई कीजिए कि ए ट्रांसपोज इनटू ए, यानी कि ए नॉर्मल आपका जो दिया हुआ ये है ही उसको ट्रांसपोज कर देंगे। ठीक है, तो यानी कि इसको मल्टीप्लीकेशन करने के बाद क्या आना चाहिए, आई, तो आई का मतलब क्या होता है दोस्तों, पता है आपको, पता ही होगा, आई मतलब मैट्रिक्स में हम लोग क्या मानते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो यानी कि जो भी जैसा भी रो और कॉलम में रहेगा, ठीक है, तो उसमें हम लोग 1 0 0 1 इस टाइप से हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, जैसे 2 × 2 है ना, तो हम लोग देखिएगा कैसे हम लोग इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकालेंगे। ठीक है, तो उतना आना चाहिए, चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो सिक्स नंबर क्वेश्चन है क्या है, ए इज इक्वल टू है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, ओके, और कॉस अल्फा। ओके, तो अब क्या करना है, वेरीफाई करना है आपको कि ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू आई आना चाहिए। ठीक है, तो आई का मतलब क्या होता है दोस्तों, देखिए हम आपको रफ में दिखाते हैं। ठीक है, तो आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि जो भी 2 × 2 है तो
हम लोग ऐसा करेंगे, देखिए यहाँ पर, यानी कि उसका डायगोनल में जो है ना, यानी कि डायगोनल में वन वन बनेगा और बाकी सब जगह जो है जीरो बन जाएगा, ठीक है। देखिए ऐसा, इसको कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर यही 3x3 का रहता तो यहाँ पर वन दिखते और बाकी जितना जगह है सब जगह क्या रखते, जीरो 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 रखते। तो चलिए हम लोग इसको बना लेते हैं जल्दी जल्दी करके। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन में ऑर्डर क्या दिया गया है कि ए आपको ट्रांसपोज करना है, तो चलिए ए ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो ए ट्रांसपोज इसका बहुत आसानी से हम लोग निकाल लेंगे। तो कॉस अल्फा और साइन अल्फा है ना, ये हॉरिजॉन्टल में, तो सपोज डैट, तो इसको वर्टिकल में चेंज कर दें। तो चलिए कर लेते हैं। तो कॉस अल्फा इंटू यहाँ, सॉरी इंटू करें, साइन हो गया, और यहाँ पे माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा है, तो इसको भी लिख लेते हैं, माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ओके दोस्तों, लिख लिए हम लोग, दिख रहा है ना। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, पेन चेंज कर दिया जाए क्या? ओके हम आते हैं, ठीक है। अब क्या करना ना कि इतना लिख लिया, अब हम लोग शांति से एकदम आराम से मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो ए ट्रांसपोज और ए, ठीक है ना दोस्तों। तो ए ट्रांसपोज अभी हम तुरंत ही निकाले हैं, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा, ठीक है ना दोस्तों, और कॉस अल्फा। ओके लिख लिए ए के जगह पर, और यहाँ पर ए ट्रांसपोज की जगह पे लिख लिया दोस्तों। अब यहाँ पर ए तो हमारा क्वेश्चन में दिया ही हुआ था, तो उसको भी लिख लेते हैं जल्दी से, कॉस साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, ठीक है, कॉस अल्फा। ओके इसको हम लोग लिख लिए, अब इसको मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं एकदम आराम से, नो टेंशन। तो कॉस इंटू, इसमें पता है ना दोस्तों कैसे मल्टीप्लिकेशन होता है, इसमें जो है सेम टू सेम रो और कॉलम है, तो हम इसको जैसे पहले करते थे मल्टीप्लिकेशन 3.2 एक्सरसाइज में, वैसे ही इसमें भी करेंगे, ठीक है। तो कॉस अल्फा इंटू कॉस, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। और फिर इसका बारी आता है, तो ये जो है ऐसे ना मल्टीप्लिकेशन होता है दोस्तों, देखिए ये एरो दिखा रहा है आपको, और फिर ये एरो डाउन में जाएगा, ऐसे ना मल्टीप्लिकेशन, यानी कि कॉस अल्फा इंटू कॉस, तो कॉस स्क्वायर, फिर माइनस साइन इंटू इससे मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है, रो इंटू कॉलम मल्टीप्लिकेशन होता है। तो चलिए हम लोग इसको सही मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो इसको कर लिए, तो माइनस साइन। तो जैसे ही अब अगला स्टेप में बढ़ेंगे तो बीच में क्या रहेगा दोस्तों, प्लस रखते हैं, ठीक है ना, ये नियम है। तो माइनस साइन इंटू माइनस माइनस, तो यहीं पे ख़त्म हो चुका, प्लस हो गया, तो साइन स्क्वायर लिख दें, साइन स्क्वायर अल्फा लिख दिए, यानी कि हमारा काम हो चुका। अब क्या होता है, अब इसका और इसमें भी तो करेंगे, ठीक है। तो कॉस अल्फा इंटू साइन, तो इसको लिख लेते हैं, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा लिख लिए, और फिर इसके बाद ये तो हुआ, फिर बीच में प्लस लिखें दोस्तों, प्लस में लिख दें, और फिर उसके बाद माइनस साइन इंटू कॉस, तो यानी कि माइनस साइन लिख दीजिए एकदम आराम से, नो टेंशन, और फिर उसके बाद कॉस अल्फा लिख दिए, ठीक है। ये मैट्रिक्स का साइन हम क्लोज कर दिए, ठीक है ना, ये हुआ आपका। तो अब क्या करेंगे, ये हम लिख दिए, अब इसके साथ भी वैसे ही काम करेंगे। तो साइन इंटू कॉस दोस्तों वही चीज, साइन इंटू कॉस हो जाएगा जस्ट टू जस्ट, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन होता नहीं है। और फिर इसके बाद जो है बीच में प्लस देंगे, हाँ दे देंगे। अब क्या करेंगे, अब इसका बारी है, तो इसमें कॉस इंटू माइनस, तो बीच में माइनस ही आ रहा है, तो लिख देते हैं ऐसे ही, माइनस लिख देते हैं, माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ओके दोस्तों लिख दिया ना ऐसा, इनमें कॉस इंटू ये वाला लिख दिया, ठीक है। लिखने के बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, यानी कि ये हमारा काम हो चुका है इसका, तो अब नेक्स्ट स्टेप में बढ़ेंगे इसके साथ। तो साइन इंटू साइन क्या हो जाता है दोस्तों, साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा ना। अब कॉस इंटू, फिर बीच में है प्लस होएगा, क्योंकि अगला स्टेप में बढ़ रहे हैं इसीलिए, तो कॉस स्क्वायर अल्फा। ओके चलिए ये हमारा काम हो चुका है, जो हार्ड काम था यहीं तक था, हार्ड भी नहीं है, बहुत ईजी है, थोड़ा सा समय लगता है बस, अब तो आसानी से हमारा बन जाएगा। तो आपने 10th क्लास में फार्मूला ये पढ़ा होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, वन होता है, ठीक है। तो उसको लिख लिए, अब यहाँ पर देखिए प्लस माइनस माइनस, ध्यान से देखिएगा, प्लस माइनस माइनस, और देखिए कॉस अल्फा सेम टू सेम, अब बीच में क्या है, माइनस ही ना है, एक तरह से मन में मानिए ना, माइनस ही ना है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, और साइन भी है इस पर और उस पर भी साइन है, और बीच में माइनस है, दोनों सेम टू सेम है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, कट जाएगा ना, और कट के जीरो हो जाएगा, ठीक है।
जीरो लिख लिया। अब इसमें भी वही चीज़ होगा शायद, प्लस माइनस, बीच में माइनस आएगा एकदम ऑब्वियसली आएगा ही। तो साइन इधर भी, साइन इधर भी, कॉस इधर भी, कॉस इधर भी, तो जीरो फटाक से, नो टेंशन। तो साइन स्क्वायर टीटा प्लस कॉस स्क्वायर टीटा होता ही है वन, एकदम आराम से लिख लेंगे। तो यानी कि हमारा इतना वैल्यू कितना है, इतना है ठीक है, इज इक्वल टू आई ना बोल रहा था। तो आई मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आपने देख रहा होगा कि अरे ये तो सेम टू सेम आ चुका, तो आई मतलब क्या हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि जो हिसाब से है उसके हिसाब से हम लोग लिख देना है। तो आ गया ना, यानी कि ये वेरीफाई हो गया, ठीक है वेरीफाइड। अब चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। अब टू क्वेश्चन में जो है क्या है, ए इज इक्वल टू, बैटरी भी लगता है अब लो होने वाला कैमरा का, इसीलिए जल्दी जल्दी बनाना पड़ेगा। साइन और इधर कॉस अल्फा, माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, वेरीफाई कीजिए वैसे ही करना है ठीक है। तो ए ट्रांसपोज और ए वही चीज़ है, तो फटाक से हम लोग करते हैं। तो ए इसका पहले निकाल ले दोस्तों, ए ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज हम लोग निकाल लेते हैं। तो साइन कॉस, चलिए वर्टिकल चूज करते हैं इसमें, तो साइन उसको जो है कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, हॉरिजॉन्टल में, तो कॉस अल्फा साइन हो गया ओके। बस आप लोग आराम से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो चलिए मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो अब क्या करना है, ओह चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ए का जो है वैल्यू उसको लिख लिया है, लिख लिए। और फिर इसके बाद मल्टीप्लिकेशन है, बीच में है ना मल्टीप्लिकेशन, तो इसको कुछ बीच में कुछ रहेगा नहीं। और ए यानी कि ये वाला वैल्यू लिख लेता है, ओके लिख लिया। अब मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं जैसे पहले किए थे, ठीक है मल्टीप्लिकेशन अब कर लेते हैं। तो साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर अल्फा, फिर इसमें आया माइनस कॉन, फिर प्लस लिखेंगे बीच में हरदम, और माइनस कॉस, तो यहाँ पे भी माइनस कॉस ठीक है। तो माइनस कॉस इंटू माइनस कॉस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो कॉस स्क्वायर अल्फा ओके। ये हुआ हमारा कहानी खत्म इसका, अब आगे बढ़ते हैं। तो इसका तो हो चुका, अब इसमें भी तो बढ़ेंगे। तो साइन इंटू कॉस तो लिख लेते हैं, कुछ होता ही नहीं है तो सही जस का तस लिखा जाएगा, लिख दिया। अब बीच में प्लस ही होता है तो अदम पहले प्लस लिखिएगा ही ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। फिर क्या करेंगे, माइनस कॉस इंटू साइन, तो यानी कि माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा ओके, समझ में आ ही जाएगा, बेसिक चीज़ है ये सब। जो अब जो है क्या करना है, तो इतना हो गया इसका, हो चुका। अब नीचे वाला का बारी है, तो कॉस इंटू साइन लिख लीजिए वही चीज़, बीच में प्लस होता है फटाक से हम लोग लिखेंगे। और फिर इसके बाद साइन इंटू वही चीज़, यानी कि यहाँ पर साइन अल्फ़ा इंटू माइनस है ना, माइनस कॉस अल्फ़ा ओके दोस्तों लिख लिए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस, अब इसका बारी है ना, तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा अल्फ़ा बीच में प्लस। और फिर इसके बाद साइन इंटू साइन कितना हो जाएगा दोस्तों, साइन स्क्वायर अल्फ़ा ओके ओके। बस बहुत ही जोर से इसको भी करना है, तो वही चीज अब क्या हो जाएगा इसमें दोस्तों, प्लस यानी कि वन हो जाएगा ना, फार्मूला ऐसे लिए। और देखिए यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, यानी कि बीच में माइनस, साइन इधर भी कॉस इधर भी, कॉस इधर भी, तो जीरो हो जाएगा फटाक से, हम लोग जीरो लिखेंगे तो हम सोचेंगे भी नहीं। प्लस और इधर माइनस है तो बीच में माइनस ऑब्वियसली आएगा ही, कॉस इधर भी, साइन इधर भी, साइन इधर भी, तो जीरो हो जाएगा ठीक है। तो कट जाएगा इसीलिए माइनस हो जाएगा पूरा। साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, वन ओके। तो यानी कि इज इक्वल टू क्या था दोस्तों, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना, इसके बराबर ना देखना था, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ चुका ठीक है, यानी कि ये वेरीफाइड हो चुका ओके। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन बनाते हैं, फिर अगला पार्ट में बनाएंगे दोस्तों, क्योंकि ये बहुत बड़ा हो गया है ठीक है, आप समझ लीजिएगा। एक और क्वेश्चन है, सेवन नंबर में क्या है दोस्तों, सेवन नंबर में क्या है कि सो डैट द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, कितना दिया हुआ है, इज ए सिमेट्री मैट्रिक्स। अब एक नया चीज़ आया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ठीक है। तो सिमेट्री मैट्रिक्स क्या होता है,
कोई हार्ड नहीं है, बहुत ईजी चीज़ है, ठीक है, लेकिन याद रखिएगा इसको। देखिए सिमेट्री मैट्रिक्स जो है वो जो है क्या करना है आपको कि इसको ट्रांसपोज करने के बाद ऐसा आना चाहिए, कैसा, वापस ए इज इक्वल टू, यानी कि जैसे ए इज इक्वल टू है ना, ये इसको कितनों ट्रांसपोज करेंगे तो सेम टू सेम रहेगा, तो उसको हम लोग सिमेट्री मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। अगर यही एक और है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक माइंड मेकअप कर लीजिए, इसको तो हम बता ही दे रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन है इसलिए बता दे रहे हैं। इसमें जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है कि अगर हम ए इज इक्वल टू लिखा हुआ है जो भी वैल्यू, उसको अगर हम लोग ट्रांसपोज करते हैं, अगर उसका वैल्यू अगर माइनस में आ गया, माइनस ए, तो वो जो है स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स में उसको हम लोग प्रूफ कर लेंगे, ठीक है, यानी कि इसका नियम यही कहता है, ठीक है। तो आपको यानी कि एक तरह से माइंड मेकअप क्या करना है याद करने के लिए कि सिमेट्री मैट्रिक्स हरदम प्लस में रहेगा और स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स माइनस में रहता है, ठीक है, ये चीज़ हो गया आपका। अब चलिए इसको बनाते हैं ध्यान से। तो सेवन नंबर में सो डैट, यानी कि प्रूफ करना है ए इज इक्वल टू जो भी क्वेश्चन है उसको लिख लेते हैं, 1-1, 5-1, 2-1, 5-1, 3, ओके, इज सिमेट्री मैट्रिक्स। बोल दोस्तों लाइन कट गया है, थोड़ा सा परेशानी होगा लेकिन दिख ही रहा है, ठीक है, चलिए हम इसको बना लेते हैं। तो यहाँ पर ए इज इक्वल टू दिया हुआ था हमारा, क्या इतना दिया हुआ था ना वैल्यू, तो उसको हम लोग क्या कर लिए, ट्रांसपोज कर लिए, ठीक है। तो ट्रांसपोज करने के बाद हमारा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ट्रांसपोज कर लेते हैं, अभी किए नहीं है, कर लेते हैं, तो हम लोग आसानी से इसको ट्रांसपोज कर लेते हैं। ये है 1-1, 5, तो इसको लिख लेते हैं 1-1, 5, ठीक है, चलिए। और फिर इसके बाद क्या करेंगे, ये चीज़ लिख लिए और ये 1-1, 2-1, ठीक है, और यहाँ पर 5-1, 3, ओके, दिख रहा ही है, और 5-1, 3, ओके, लिख लिया मैंने, ठीक है दोस्तों, मैंने लिख लिया इसे, और यानी कि ए ट्रांसपोज हो गया आपका। तो अब देखना है स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स में हम लोग को ये देखना है क्या ये ए के बराबर आ रहा है, तो देखेंगे कि ए के बराबर क्या है, 1-1, 5, 1-1, 5, 1-2, 1, 1-2, 1, 5-1, 3, 5-1, 3, ठीक है, यानी कि है ये, तो ये किसके बराबर हो गया दोस्तों, ये जो है ए के बराबर हो गया, ठीक है। तो इसको ही सिमेट्री मैट्रिक्स कहते हैं, यानी कि डैट इज सिमेट्री मैट्रिक्स। ठीक है, यानी कि ये सिमेट्री मैट्रिक्स हो गया। अब क्या कहता है कि इसी का स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स निकालिए। अब जो है अब टू नंबर में देखिए, बुक में देख लीजिए, टू नंबर में बोल रहा है ना, क्या बोल रहा है, हमको लिखना पड़ेगा क्वेश्चन, देखिए लाइट नहीं है, ठीक है, मोबाइल से अपना मोबाइल के टॉर्च से देख रहा हूँ, थोड़ा सा देखिएगा, हम देख लेते हैं, अंधेरा थोड़ा सा लग सकता है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है टू नंबर में, जल्दी से देख लेते हैं, ए इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है दोस्तों, ए इज इक्वल टू लिखा हुआ है 0-1 और 0-1, 1, ठीक है, और 1-0, 1-0, -1, और फिर इसके बाद -1, 1, 0, ओके, ये लिखा हुआ है, ये चीज़ है हमारा क्वेश्चन में, ठीक है दोस्तों। और इसमें जो है आपको क्या निकालना है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। अब क्या करेंगे ना, अब इसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देखिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि आपको माइनस में ही इसको अंतिम में लाना है, यानी कि ए को जो है आपको माइनस में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना, इसका मेन चीज़ यही मतलब होता है, ठीक है। तो इसको कैसे हम माइनस में कन्वर्ट करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे ध्यान से देखिएगा, ए ट्रांसपोज निकाल लेंगे इसका, तो ए ट्रांसपोज निकालेंगे, तो इसका तो हम ए ट्रांसपोज आसानी से निकाल सकते हैं, जैसे 0-1, 1 है तो हम इसको हॉरिजॉन्टल में लिख देते हैं, ठीक है, और 1-0, -1 और -1, 1, 0 लिख दिए। अब लिखने के बाद क्या करेंगे, ये तो हमारा ए ट्रांसपोज निकल गया, अब आपको जानबूझ करके इसमें क्या करना है कि इसमें से माइनस निकालना है, ठीक है। स्क्यू सिमेट्री का मतलब यही होता है कि आपको
जो भी चीज़ दिया हुआ है पॉजिटिव में उसको निगेटिव में कन्वर्ट करना है, ठीक है। जैसे ए इज इक्वल टू जो भी चीज़ दिया हुआ था उसको हम लोग क्या में कन्वर्ट करेंगे दोस्तों, निगेटिव में, ठीक है। तो इसमें से क्या करेंगे, माइनस को जानबूझ करके कॉमन निकालेंगे, ठीक है, जानबूझ करके, और वैसे निकालेंगे ताकि फिर से मल्टीप्लाई करें तो सेम टू सेम आ जाए। तो जीरो है तो उससे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि माइनस को कॉमन निकाल दिया, ठीक है। इसमें से कॉमन निकालेंगे तो जीरो को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो जीरो ही सिर्फ लिखा जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पहले से क्या मौजूद है, माइनस है, तो फिर से अगर माइनस कॉमन ना निकाल दिए हैं तो यहाँ वन रखे, क्यों क्यों रखे वन, क्योंकि फिर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वन आ जाएगा, और किसी को बोलने का वैसा चांस भी नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके हिसाब से करेंगे जो कि एकदम सूटेबल हो, जो सबूत रहे, ठीक है कि कहाँ से आया, किसी को जवाब देने का सबूत रहे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर सिर्फ वन लिखेंगे तो गलत ना हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ माइनस है, मल्टीप्लाई होगा तो फिर माइनस गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस वन तो नहीं है, यहाँ पर हमें क्या रखना पड़ेगा, माइनस वन, क्योंकि माइनस माइनस प्लस और प्लस वन है भी यहाँ पर, ठीक है। वैसा ही रखना है उसके हिसाब से, यानी कि एक तरह से मान के चलिए जो भी प्लस में है यहाँ पर वो माइनस में हो जाएगा और जो माइनस में है वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पर वन हो गया और वन माइनस वन जीरो, ठीक है, ये आपका हुआ। अब क्या करना है, तो ये जो है, अब देखिए इसके जैसा कोई है क्या, इसके जैसा मिलाई तो कोई है, देखते हैं इसके जैसा कोई है क्या। तो इसके जैसा हम देख रहे हैं कि ए ट्रांसपोज नहीं है, देखिए तो है क्या, जीरो माइनस वन वन, ये है वन जीरो, तो यहाँ पे यहीं पे फेल हो गया, जीरो माइनस वन, तो जीरो माइनस वन है नहीं ना, तो यहाँ पे फेल हो गया। अब हम दूसरा को खोजने जाते हैं कहाँ पर है भाई, तो देख रहे हैं ए इज इक्वल टू जीरो वन माइनस वन दिया हुआ है, तो देखें जीरो वन माइनस वन दिया हुआ ना दोस्तों, माइनस वन जीरो जीरो भी दिया हुआ है, माइनस वन जीरो और इधर माइनस वन जीरो वन दिया हुआ है, ठीक है, मिल गया। और क्या है दोस्तों, वन माइनस वन जीरो, वन माइनस वन जीरो, यानी कि ये जो है किसके जैसा मिल रहा है, ए के जैसा, ठीक है ना, ठीक है ना दोस्तों। तो हम क्या ऐसा लिख सकते हैं इसको, माइनस ए, ठीक है, यानी कि ऐसा आ गया, तो इसको कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, ठीक है, यानी कि इसी को कहते हैं। देखिए अब लाइट नहीं है और ऐसे भी बहुत बड़ा वीडियो हो गया है, हम तुरंत ही जो है इसका वीडियो अपलोड कर देंगे, अब ज़्यादा क्वेश्चन है भी नहीं, अब इसी टाइप का सिमेट्रिक टाइप का ही क्वेश्चन है और तुरंत बन जाएगा, ठीक है ना, आगे आसानी है, ठीक है दोस्तों। अगले वीडियो में मिलते हैं, और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा यार, ठीक है ना, क्योंकि लाइक यार लाइक बहुत अच्छा मिलता है, बहुत मज़ा आता है लाइक करते हैं आप लोग तो, एकदम इतना अच्छा लगता है ना, और कमेंट भी जरूर किया कीजिए, ठीक है, इससे बहुत ताकत मिलता है हमको कि कम से कम यार कोई तो हौसला तो बढ़ा रहा ना, इसीलिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलता है।